पहले तीन साल मैं फ्री ब्लॉग स्पॉट पर ही काम कर रहा था बेसिकली तो 2008 में मैंने अपना पहला वर्ड प्रेस बेस ब्लॉग बना और जो वो ब्लॉग था बेसिकली ब्लॉगिंग के अराउंड ब्लॉगिंग एस के अराउंड और हाउ टू मेक मनी okay. तो उस ब्लॉग को मैंने तीन साल तक चला बेसिकली तो 2011 में मुझे कुछ फंड्स चाहिए थे फॉर बाइंग माई होम बेसिकली तो मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी मतलब कुछ पैसे कम पड़ रहे थे तो मेरे पास कुछ और चॉइस नहीं थी तो मैंने क्या किया जो मेरा ब्लॉग था वो फ्लिपार पे मैंने सेलिंग के लिए डाल दिया बेसिकली और आई वुड okay. से कि बाई चांस और बाई लक वो ब्लॉग सेल हो गया मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसे कोई मेरी हिस्ट्री नहीं रही कि मैंने कोई ब्लॉग पहले सेल किया हो या फिर कहते ना मैं मतलब उसमें मेरा कुछ उस टाइप की कुछ मेरा एक्सपीरियंस हो ऐसा कुछ नहीं था तो तो कितने तो पस, में आपने सेल किया था अगर आप रिवील करना चाहें जो मेरा ब्लॉग था बेसिकली वो थर्टी फाइव थाउजेंड डॉलर्स में मैंने सेल किया था थ्रू फ्लिपा और हाँ सर और तो उस टाइम पे थर्टी फाइव थाउजेंड लाइक दो हजार ग्यारह में थर्टी फाइव थाउजेंड डॉलर आई थिंक काफी आ, पैसे होते हैं और वो ब्लॉग जो था आपने आपके ब्लॉग से कितनी इनकम हो रही थी कि आपको थर्टी फाइव थाउजेंड डॉलर मिला था सर उस टाइम जब मैंने उसको सेल किया था तो उस ब्लॉग से मेरे पास ना 800 से लेकर हज़ार डॉलर हर महीने बन जाते थे और उसमें जो मेन जो आ, रिवेन्यू सोर्स था उस टाइम एफलेट मार्केटिंग इतना नहीं या तो चलता नहीं था या फिर मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पेड पोस्ट है या फिर आपके पास आ, जो स्पॉन्सर्ड एड्स हैं या फिर डिस्प्ले एड्स हैं बेसिकली उस टाइप के जो आपके पास मोनोइजेशन सिस्टम्स थे वो मैं यूज़ करता था उस टाइम मेरे ब्लॉग पे अच्छा तो इससे रिलेटेड मैं एक और बात जानना चाहूँगा सेल करने के लिए मतलब ट्रैफिक भी डिपेंड करता होगा ट्रैफिक पर भी वो डिपेंड होता कि कितने में सेल होगा तो उस समय आपकी ट्रैफिक कितनी थी कि आपको थर्टी फाइव थाउजेंड डॉलर ऑफर हुए थे सर उस टाइम मेरे पास मेरे ब्लॉग पे थाउजेंड के आसपास हर रोज लोग आ रहे तो थाउजेंड में मतलब मोस्टली अच्छा। जो ट्रैफिक था वो गूगल से ही आता था मतलब मेरे पास अभी तक जितने भी मैंने ब्लॉग बनाया ना क्योंकि मेरी जो एक्सपर्टीज़ रही है बेसिकली वो एस के राउंड रही है तो जितना okay. भी मेरा मतलब जो ट्रैफिक जनरेशन का जो मैथड रहता है वो फ्री वाला रहता है और जो फ्री में अगर मैं बात करूँ तो जो गूगल का जो ट्रैफिक है वो सबसे हाई क्वालिटी ट्रैफिक रहता है और वहाँ से हमारे पास आठ से लेकर हज़ार डॉलर बन जाते थे बेसिकली हर महीने उस ब्लॉग से बेसिकली ओके okay, तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ मैं देख सकता हूँ अगर मान लीजिए किसी ने ब्लॉग बनाया और अच्छे से काम किया और उस ब्लॉग से अच्छा खासा ट्रैफिक भी आ रहा है उस पर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो उस ब्लॉग को हम चाहें तो सेल कर सकते हैं जैसा कि आपने बताया तो अगर 2011 में आपने जो सेल किया था आपको क्या लगता है अगर इस समय सेल होता तो कितना मिलता था सर वो तो काफ़ी मुझे लग रहा है कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बेसिकली ना अगर मैं बोलूँ जैसे कि जो वो वाला ब्लॉग था वो उस टाइम आठ या हज़ार डॉलर बना रहा था बेसिकली ठीक है तो उसका मैंने जो मुझे मिला था वो लाइक लगभग थर्टी फाइव परसेंट बना मतलब आई वुड से कि थर्टी फाइव टाइम्स मतलब थर्टी फाइव टाइम्स बोल सकते हैं क्योंकि ना अगर मैंने थाउजेंडी हाँ, हर हर महीने बोलो तो उसको थर्टी फाइव थाउजेंड डॉलर में मैंने सेल किया तो इट्स लाइक लग मुझे लगभग तीन साल का जो नेक्स्ट थ्री इयर्स का जो रिवेन्यू है ना वो एक साथ मुझे मिल गया जब मैंने उस ब्लॉक को सेल किया अभी भी यही रेशियो चल रहा है लाइक कि अगर मैं अपना ब्लॉग सेल करना चाहता हूँ तो मुझे थर्टी फाइव टाइम्स मिलेंगे सर वो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है मुझे लग रहा कि मतलब आपको तो उतना ही मिलेगा हर बार तो वो डिपेंड करता है कि वो जो बंदा खरीदने वाला है वो कितना नीडी है उसको कितना इंटरेस्ट है आपके ब्लॉग में बेसिकली ना और कितना आप अपने ब्लॉग को कहते ना कि आप उसको कितना सेल कर सकते हैं मतलब कहते ना आपकी सेलिंग जो स्किल्स है वो कितनी है बेसिकली तो उन सब चीज़ों पर काफ़ी मैटर तो, करता है बेसर आप बताना चाहेंगे क्या क्या फैक्टर्स पर डिपेंड करता है हमारे ब्लॉक का प्राइस अगर हम सेल करना चाहते हैं तो बेसिकली सर एक जो हाँ सर उसमें एक तो जो कर सकते हैं कि आपका जो इनकम की जो आपके जैसे मान लीजिए आपका मंथली जो इनकम है बेसिकली उसका ग्राफ कैसा जा रहा है बेसिकली अगर उसका ग्राफ पॉजिटिव जा रहा तो फिर जो खरीदने वाला बंदा उसको भी इंटरेस्ट आएगा कि लग रहा है कि जो उसका ग्राफ अगर पॉजिटिव जा रहा है तो ही कैन एक्सपेक्ट कि ना चीज़ें यहाँ पर बेटर होती जाएंगी सेम मतलब ट्रैफिक लेवल पर भी बाहर हाँ अगर आपके ट्रैफ अगर आपका ट्रैफिक इंप्रूव हो रहा है कोई पेनल्टी नहीं आ रही है बेसिकली सब कुछ क्लीन है तो उसको लगेगा कि चीज़ें उसके लिए ना रेडी हैं मतलब उसको कुछ ज़्यादा उसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है जैसे उसको ना कहते हैं उसको बस आगे लेके जाना उसको बेसिकली और उसके अलावा आपने अपने जो आपका ब्लॉग है या वेबसाइट उसको कैसे आपने उसको मतलब प्रेजेंट किया जैसे किस टाइप के आपने उसमें बैकलिंग्स बनाए हैं या फिर उसकी अथॉरिटी कितनी है उसकी उसका वो कितना बड़ा ब्रांड बन गया मतलब किस टाइप की वेबसाइट से उसको लिंक किया है कहाँ कहाँ से उसके मैंसन्स आए हैं बेसिकली तो वो सब चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं उसके